उनके पास मुद्दा क्या है, कोई मुद्दा तो बताओ। विपक्ष में नहीं कोई चेहरा, न नीतीश कुमार, न शरद पवार, न अन्ना डीएमके, न तेलुगु देशम पार्टी, या कोई एक लीड करने वाला कोई इसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आपसी तालमेल नहीं है उनके, तो विपक्ष तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। और उनको लीड करने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है कि चलो उनको बना ले, तो काफ़ी उनके दल नाराज है। तो विपक्ष तो वो भी पूरी तरह, उनका हाल ऐसा है कि वो अभी आरोप प्रत्यारोप के बाहर आएंगे तब कुछ संभल पाएंगे ना 24 में। नहीं दिया, अब सनातनी हिंदू जाग गया, उसका मतलब ये नहीं कट्टर हिंदूवादी बनो। आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के वीडियो देख लो आप, 70 साल कांग्रेस ने क्या जुल्म ढाए हैं हिंदुओं पे। तो अब 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटी खतरे में है, तो 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, तो क्या माइनॉरिटी खतरे में नहीं थी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जितने भी चैनल हैं, बड़े चैनल हैं, वो सारे मोदी ने खरीद लिए हैं, सब गुलाम बन गए हैं, मीडिया भ्रष्ट हो चुकी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ये अपना कंट्रोल करना चाहते हैं पूरे देश पे। मोदी आने चाहिए, राहुल गांधी आने चाहिए। मैम दोनों ही अच्छे नहीं लगे। नहीं अच्छे नहीं, आपका पूरा नाम बताएंगे? नहीं, नाम को क्या देखेंगे? भारतीय है, बात ये है ना कि आयुष्मान सनातनी हिंदू। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। 2023 खत्म हो रहा है और 2024 का आगाज हो चुका है। अब जो सवाल है, 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव है और सवाल उठ रहा है 24 में अब की बार किसकी सरकार। और इसी का सवाल का जवाब लेने हम आ चुके हैं दिल्ली के सीपी में, जो सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है और हर तरीके के लोग यहाँ पर मिलते हैं। क्या कहेंगे सर, इस बार किसकी सरकार? 2014, 19 और 24 में तो बंपर जीत लेके आएंगे और इतने एमपीज ला देंगे ना कि विपक्ष की नींद हराम हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी को कह रहे हैं? ऑफ कोर्स बीजेपी, मोदी जी लाएंगे, कमल खिलने वाला है। और क्या, जनता कह रही है नहीं पसंद है बीजेपी, अब के बार बीजेपी का सफाया होगा। एक सफल नेता की परिभाषा ये है कि उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण हो, जुनून हो, परेशानियों से डरे नहीं लेकिन परेशानियों को हराए। वो कोरोना में मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पे देखो आप, कितना G20 यहाँ पर हुआ और जहाँ भी अभी लीड कर रहे हैं, तो विश्व गुरु हैं वो, पूरे अदर प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रीज़ के उनकी सलाह मशवरा लेते हैं, तो आना ही है। और विपक्ष अलायंस तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता और 24 में तो बम्पर जीत के साथ आने वाले हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने 3 चीज़ का समन्वय किया है। पॉलिटिक्स, बीजेपी को तानाशाही सरकार बताई जा रही है, मोदी सरकार मतलब तानाशाही सरकार। अरे तानाशाही तो वो बोलेंगे ना, क्योंकि उनके पास मुद्दा क्या है, कोई मुद्दा तो बताओ। विपक्ष में नहीं कोई चेहरा, न नीतीश कुमार, न शरद पवार, न अन्ना डीएमके, न तेलुगु देशम पार्टी, या कोई एक लीड करने वाला कोई इसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आपसी तालमेल नहीं है उनके, तो विपक्ष तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। और उनको लीड करने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है कि चलो उनको बना ले, तो काफ़ी उनके दल नाराज है। तो विपक्ष तो वो भी पूरी तरह, उनका हाल ऐसा है कि वो अभी आरोप प्रत्यारोप के बाहर आएंगे तब कुछ संभल पाएंगे ना 24 में। युवाओं की मांग है राहुल गांधी। अरे कैसे, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कही तो वो ये यात्रा करने से उनका क्या बहुत बड़ा लाभ हो गया? अरे हो जाता तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार ले आते। अब वो भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं जो कि मणिपुर से स्टार्ट होगा। भारत न्याय यात्रा, जब केरला मूवी और ये कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी आई तो कांग्रेस के को एक भी नेता ने स्टेटमेंट नहीं दिया। अब सनातनी हिंदू जाग गया, उसका मतलब ये नहीं कट्टर हिंदूवादी बनो। आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के वीडियो देख लो आप, 70 साल कांग्रेस ने क्या जुल्म ढाए हैं हिंदुओं पे। तो अब 2014 के बाद ऐसा लग रहा है कि माइनॉरिटी खतरे में है, तो 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, तो क्या माइनॉरिटी खतरे में नहीं थी? 14 के बाद ही माइनॉरिटी खतरे में आ गई क्या? कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस ने 70 सालों में ना किया, उतनी तानाशाही 10 सालों में हो गई है। कई की तानाशाही आप देख लो, मोदी जी और उनके डिपार्टमेंट जो जितने अपने मंत्रालय है उनका आप काम देख लो, नितिन गडकरी जी का देख लो, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, किस मोदी अमित शाह की तो बात छोड़ो, उनके मंत्रालय में कितना अच्छे से काम चल रहा है। और घोटाले हो रहे, घोटाले गिना रही है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मोदी का आप कह रहे हैं बड़ी तारीफें के पुल बांध रहे हैं, ये मोदी ने अभी तक ये मणिपुर का तो कम्प्रोमाइज कराया नहीं। मणिपुर में तो रेप हो रहे हैं, सरेआम रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उस पर आज तक आपके मोदी साहब ने बोला है कुछ इस पर? अभी तक वहाँ पर हत्याएं चल रही हैं, रेप हो रही है, आपको मालूम है? आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ आज तक चैनल देखते हैं, जो आज तक चैनल बिका हुआ चैनल है।
आज तक जो चैनल है ना वो लोगों का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जितने भी चैनल हैं, बड़े चैनल हैं, वो सारे मोदी ने खरीद लिए हैं, सब गुलाम बन गए हैं, मीडिया भ्रष्ट हो चुकी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ये अपना कंट्रोल करना चाहते हैं पूरे देश पे। अरे संविधान को तो लाओ, संविधान को तो ये मानते नहीं है। कह रहे हैं मीडिया जो अच्छे काम दिखा रही है, मीडिया जो है अच्छे काम से खुश है क्या? वो सारा दिन तो मोदी का गुणगान दिखाती रहती है। मणिपुर पे दिखाया इन्होंने आज तक कुछ? दिखाया क्या हो रहा है? सिर्फ न्यूज एक हिंदू न्यूज पेपर है जो सही लिखता है, बाकी लेफ्टिस्ट है तो क्या हो, लेकिन सच तो लिखता है, कुछ सच नहीं लिखता, कुछ सच नहीं लिखता। अच्छा, ये आपके सवालों को काट रहे हैं। हिंदू का न्यूज़पेपर ऐसा है, आपको वामपंथी समझना है। अच्छा, हिंदू पढ़ लो, आईएएस को पढ़ाना है, उन्हें पढ़ा देते हैं, बाद में उन्हें समझ में आता क्या से क्या हो गया। आज तक का चैनल ठीक है? आज तक में मेरे एक दोस्त हैं, मेरी बात सुनिए, मेरे 25-30 साल पुराने दोस्त हैं, सईद अंसारी, मैं उनको भी फोन करके बोल दूं कि आपका चैनल बिका हुआ है। और श्वेता को जानते हैं आप? श्वेता को, श्वेता मेरे साथ, मैं पहले सहारा एयरलाइंस में था, वो सारा इन्होंने सहारा टीवी से अपना करियर शुरू किया था। जब से इन्होंने करियर शुरू, सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, जब से सईद अंसारी ने और श्वेता सिंह ने करियर शुरू करा, तब से मैं इनको जानता हूँ और तब से मैं इनको बोलता हूँ कि आप कौन से चैनल में आ गए। अभी मैं मिला हूँ, अभी श्वेता को फोन मिलाता हूँ, अभी उठाएगी वो, और सईद अंसारी को फोन करूंगा, अभी उठाएगी वो। देखो मीडिया का काम है जानकारी देना, मीडिया जानकारी, मीडिया जानकारी। दूसरी, अभी रुको, सुनो सारा दिन दूसरी चीज, कोई इंसान सब जॉब कर रहे हैं, वो पहले वो जीटीवी में काम करता था बेचारा, अब आज तक में आ गया। कुछ लोग इस चैनल मोदी जी के लिए है 24 में, अब की बार मोदी जी आ रहे हैं, क्यों मोदी कैसे आ रहे हैं? मोदी ही आएंगे, वो जनता कह रही है हम परेशान हो चुके हैं। जनता को इतना भी शायद आइडिया नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग है ऊपर वाले क्लास, उनसे पूछो, सारा करप्शन गायब हो गया। पहले अगर 100% था तो अब वो 20% पे आ गया है। युवाओं से जानने की, यहाँ पे जो वामपंथी लोग है, जो नोटबंदी के चक्कर में उन्होंने पैसा रखा हुआ था, सोचा था 7 पीढ़ियां खा जाएंगी, वही पार्टी चलती रहेगी, अचानक से गया हुआ नोट बंदी के गवर्नर ने कहा कि नोटबंदी सबसे बुरा आइडिया था, सबसे घटिया। अंग्रेज जो बाहर से आया था, रंगनाथन शिकागो वाला, युवा तो क्या कहेगा मोदी पर? युवा क्या चाहता है? मोदी आने चाहिए, राहुल गांधी आने चाहिए? मैम दोनों ही अच्छे नहीं, नहीं अच्छे नहीं। वो पूरा स्पीच आपने सुना है? मैं छोड़ रहा हूँ राहुल गांधी का, जो आलू से सोना वाला पूरा स्पीच जानते हैं? पूरी कहानी उसकी? पूरी कहानी नहीं जानते, इतना सुना है कि आलू से सोना निकलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पता नहीं कौन से, वो यूट्यूब पे ही देखा है मैंने तो। अच्छा, आपको पता है वो पूरी कहानी क्या आलू से सोने वाली? मैम सर पूछ रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी है, आप कहाँ से ज्ञान लेते हैं? कोई नई ऐप है तो बताओ। नहीं, मैं उन्होंने बताया कि राहुल गांधी आलू से सोना निकालते हैं, आप पूरी कहानी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं उसकी। वो किसने कहा था फिर, किसने कहा था? जिसने भी कहा था आलू से सोना निकालने, किसने बोला था? जिसने भी कहा था उसी ने कहा था, जिसने कहा था, जब आप कह रहे हैं ना 15 लाख मिलेंगे, कहा था मोदी ने, एक इंडिविजुअल अकाउंट में देंगे, मोदी जी ने कहा था। कहा था उन्होंने, क्या कहा था? पूरा 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 बताएंगे या थोड़ा बताएंगे? इसीलिए तो मैं आपसे, इतना काला दिन है वहाँ पे कि अगर उसको वापस लाया जाए तो हर एक भारतीय के घर में 15-15 लाख रुपया बनता है। क्या देने की बात कही थी किसी मैनिफेस्टो में? देने की बात की थी प्राइम मिनिस्टर में, गरीबों का घर बन रहा है, बन रहा है गरीबों का, बिल्कुल बन रहा है, जानता हूँ उनका बन रहा है। और इनफैक्ट मिडिल क्लास में से भी अगर मान लो उन्होंने किसी अमाउंट से ऊपर लिया है तो उन्हें 1.5-2 लाख रुपए का वो भी मिला है, बेनिफिट भी मिला है। ये लोग बता नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट सच्चाई ये है। आप असहमत लग रहे हैं, कितना भी कुछ कर, कैसे मोदी ही क्यों आएगा? जनता नाराज है। जब पहले पाकिस्तान में कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाए ना तो बंदा वापस नहीं आता था, आज की डेट में क्या पाकिस्तान से बाइज्जत बड़ी हो गया आता है पूरे फूल माला के साथ? और भूखे पेट लोग सो रहे हैं, भूखे 80 करोड़ में नहीं हो गया आप? ठीक है 80 करोड़ में जो आप, नहीं आपने जो, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखी आपने? बिल्कुल देखी है। आपको फोन आया हंगर इंडेक्स वालों? मैं आपसे पूछता हूँ एक लॉजिकल क्वेश्चन है भाई साहब, आपको फोन आया कि आपने खाना खाया बाबू ने? हमारी आपकी बात ही नहीं हो रही है, उन लोगों की बात, किसका है उनकी बात हो रही है, इंडेक्स किसका है वो? अरे जो सड़कों पे सोते हैं उनकी बात हो रही है। सड़कों पे कौन सोता है? भारतीय सोते हैं, सोते हैं, भारतीय सोते हैं,
भारतीय सोते हैं, भारतीय सोते हैं, भारतीय सोते हैं, भारतीय बांग्लादेशी मांगते हैं, हम उनके लिए एनआरसी कर भागा देंगे, उनको म्यांमारी को भी निकाल देंगे यहाँ से, वोट होते हैं वहाँ पे, क्योंकि भारतीयों के पास आज 4 करोड़ घर दिए हैं इस सरकार ने, 4 करोड़ कितने, 4 करोड़ आवास योजना के तहत। आयुष्मान कार्ड के बारे में पता है, बिल्कुल 100% क्या फ्रॉड हुआ है आयुष्मान कार्ड में, क्या मध्य प्रदेश में चेक किया जाके आपने क्या कहा, क्या कहा लोगों को, हॉस्पिटल में लोगों को एडमिशन क्या है, एडमिशन नहीं मिलता था क्योंकि पैसे नहीं आते है उससे। एक मिनट, किसने कह दिया कि पैसे नहीं आते, मैंने अभी ऑपरेशन करवाया आयुष्मान में, आपके पास उसका बिल्कुल दिखा दे, बिल्कुल मेरे पिताजी का, मेरा पिताजी का, हाँ आयुष्मान कार्ड से, हाँ। हम जम्मू कश्मीर के हैं, हमारी 100% पॉपुलेशन आयुष्मान में कवर्ड है, 100%। आपके तो कुछ घर आए होंगे ना यहाँ पे, लिमिटेड वार्ड वाइज, जिला वाइज, क्या करते हैं आपसे पूछना, क्या करते हैं आप? मैं समाज सेवी हूँ, हाँ अपना काम करता हूँ, बिजनेस है साथ में, हाँ नमकीन का काम करता हूँ। आपका पूरा नाम बताएंगे? नहीं, नाम को क्या देखेंगे, भारतीय है, बात ये है ना कि आयुष्मान सनातनी हिंदू, पवन आयुष्मान कार्ड किसके लिए बनता है पता है? हाँ सबके लिए बनता है, जम्मू कश्मीर वाले में सबके लिए बनता है, जरूरतमंदों के लिए। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन जरूरतमंद है? आप जरूरतमंद हो, आप जरूरतमंद हो? नहीं मैं जरूरत नहीं बना, मैं जरूर, आपका बना भी नहीं होगा, मैं आपका बना भी नहीं होगा, मगर 22 करोड़ कार्ड अभी तक इशू हो चुके, 54 करोड़ कार्ड बनने हैं, 5 लाख कार्ड बन गए हैं एक ही फोन नंबर से, किसी का अगर कार्ड ना, बड़ा बड़ा फ्रॉड हो सर आपको पता ही नहीं है। अरे कौन से नंबर से 5 लाख कार्ड बना है, आप जाके चेक कर लीजिए, गूगल पे चेक कीजिए, मेरा मोबाइल लीजिए चेक कीजिए, एक ही फोन नंबर से आयुष्मान कार्ड की 5 लाख जो नंबर है वो रजिस्टर्ड है। मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपकी भर्ती नहीं लेंगे आयुष्मान, कुछ आया है, कुछ प्रूफ है या बरवाली चल रहा है? आप चेक कीजिए ना, आप चेक कीजिए। मैं इसका जवाब दूं मैडम, आप सुनना मैडम, एक मिनट ध्यान से सुनना, आयुष्मान में क्या होता है, एक बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है, क्या होता है, क्या बायोमेट्रिक स्कैनिंग, अगर आप भी कार्ड बनाने जाएंगे वहाँ आपका अंगूठा होगा, केवाईसी होगी उसके साथ, आपका आधार कार्ड लिंक होगा उसके साथ, ठीक है, केवाईसी। लेट अस सपोज किसी कोई ऐसे एरिया में पहुंचे जहाँ लोग जो हैं उनके पास कोई फोन नहीं है या दूसरा फोन है या एक ही परिवार के पास एक ही फोन है, तो वहाँ क्या करता है, जो ऑपरेटर सीएससी वाला है वो वहाँ अपना नंबर उसकी जगह डाल देता है,